हेलो, माय नेम इज़ निशा। आई लव रीडिंग बुक्स। इस चैनल पर मैं बुक्स के बारे में बात करती हूँ और बुक्स से मिलने वाली नॉलेज आपके साथ शेयर करती हूँ। इफ़ यू डू वांट टू गेन दैट नॉलेज, आप उस नॉलेज को पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ वो ये बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को लिखने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्सी, जो इस बुक के ऑथर हैं। इन्होंने इस बुक में हमारे ब्रेन की पावर्स के बारे में अच्छी तरह से लिखा है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, उसकी क्या शक्तियाँ होती हैं, वो क्या कर सकता है, वो सब कुछ डॉक्टर मर्फी ने इस बुक में लिखा है। तो मैं इस बुक की चार पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी वो टेक्निक्स जिसके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके बहुत सिंपल सी टेक्निक्स के थ्रू, सिंपल ट्रिक्स के थ्रू वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नाउ मैं अभी स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। देखिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड के ही दो पार्ट हैं। कॉन्शियस माइंड जो है वो डायरेक्टली हमारी फाइव सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है, हमारी आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, हमारी टंग। जो भी इंफॉर्मेशन इनके थ्रू हमारे माइंड में जाती है कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, कोई कैसी है, कोई बात कैसी है, कोई हमसे कुछ कह रहा है, हमने कहीं से कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, तो ये सब चीज़ें, हमें कैसा फील हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारी फाइव सेंसेस के थ्रू हमारे माइंड के कॉन्शियस पार्ट तक जाते हैं। देन हमारा कॉन्शियस पार्ट जो है माइंड का, वो डिसाइड करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को रखना है या डिस्कार्ड कर देना है, इसको फर्दर प्रोसेस करना है, इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना है या नहीं करना है। ये जब कॉन्शियस माइंड इस डेटा को फीड कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि यस, इसके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है या दिस थिंग इज़ ट्रू, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है किसी भी इन्फॉर्मेशन को रखने की या डिस्कार्ड करने की। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है किसी भी इन्फॉर्मेशन को पहचानने की कि वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, उसे हमें रखना है या नहीं रखना है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन रिसीव तो ज़रूर करता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो मना कर सके कि मुझे इस पे काम नहीं करना या वर्कआउट नहीं करना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास एक और बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है, वो है कि वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर सकता है जो भी उसे कॉन्शियस माइंड के द्वारा बताया जाता है। इस पैटर्न को कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक दूसरे के साथ वर्कआउट करते हैं, समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि कोई जहाज है जो पानी में तैर रहा है, तो उस जहाज का जो कैप्टन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। वो डिसाइड करता है हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे चलना है, कितनी स्पीड से चलना है, और वो सब डिसीजंस वो कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स को देता है, और क्रू मेंबर्स को वो डिसीजन जो उनके कैप्टन ने बताए हैं उनको फॉलो करना ही होता है। दे कांट डिक्लाइन, वो मना नहीं कर सकते, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मना कर सके जो कैप्टन ने कहा है। सेम इसी तरह से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा पायलट है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे क्रू मेंबर्स की तरह है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो है टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब हमारा जो माइंड है, माइंड का जितना भी काम होता है उसमें 90% जो काम है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% काम कर रहा है, और ये एक्चुअली वहाँ वो जगह है जहाँ पर काम होता है। कॉन्शियस माइंड का काम सिर्फ इतना है कि वो डिसीजंस लेता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे करना क्या है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है सबकॉन्शियस माइंड को। बाकी सारा वर्कआउट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अब इवन डॉक्टर मर्फी ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की जो रिसर्च है वो ये भी बताती हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो 11 महीने में दोबारा से बन जाती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है मेंटली या फिजिकली, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो उसे हम सिर्फ 11 महीने में ठीक कर सकते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को देके। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी पर, हमारे ब्रेन पर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका इफेक्ट आता है। इस तरह से जो हमारी कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की जो वर्किंग है, जो वर्किंग पावर है, उसमें मेजर रोल किसका रहता है, सबकॉन्शियस माइंड का। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कीप्स ऑन वर्किंग, ये सबसे ज़्यादा काम करता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है रिवायरिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब जैसे हम इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही काम करने की हैबिट हो जाती है और हम वैसे ही बन जाते हैं।
जैसे कि देखिए, मेरे पास कोई इंसान आता है, वो मुझसे कुछ कहता है, तो मेरा जो ब्रेन है वो कैसे काम करेगा? सबसे पहले तो मेरा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा कि सामने वाले ने जो बात कही वो मुझे कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, वो पॉजिटिव बात थी या नेगेटिव बात थी। सेकेंडली, मेरा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा कि क्या मुझे उस बात के बारे में सोचना है। अगर हाँ सोचना है, सपोज किसी ने मुझे कोई बुरी बात कही, तो मेरा माइंड डिसाइड करेगा कि मुझे उस पर गुस्सा करना है या नहीं करना है। अब मेरे माइंड ने सपोज डिसाइड कर लिया कि मुझे उस बात पर गुस्सा करना है, मुझे उस व्यक्ति को या तो पलट कर जवाब देना है या मुझे उससे बदला लेना है। इस तरह की फीलिंग्स मेरे माइंड में फिर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जाती हैं। अब ये पैटर्न अगर मैं हर बार फॉलो करती हूँ, जब भी कोई इंसान मेरे सामने आता है, मुझे कुछ नेगेटिव बोलता है, कुछ बुरा बोलता है, मैं हर बार यही पैटर्न फॉलो करती हूँ। मैं उसकी बात सुनती हूँ, मैं फिर उस बात पे गुस्सा होती हूँ, फिर मैं उस बात पे या तो रिएक्ट करती हूँ या मैं मन ही मन परेशान होती रहती हूँ। और इस तरह का पैटर्न जब बार बार फॉलो होता है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाता है कि जब भी कोई आपको गुस्सा करेगा या जब भी कोई आपको गलत बात, बुरी बात बोलेगा, तो आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है। अब जब ये आपके माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में ये रिएक्शन सेट हो जाता है, उसके बाद आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और आप हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, आप जब चाहें अपने सब कॉन्शियस माइंड के इस पैटर्न को रिवायर कर सकते हैं। वो कैसे? आप अपने माइंड को रिवायर करने के लिए टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। वो जो टेक्निक्स हैं वो आपको हेल्प करने वाली हैं इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करने में। ये टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ एंड में। उससे पहले मैं आपको एक और मेजर चीज़ बताती हूँ, वो है कि अपने माइंड को गार्ड करना सिखाइए। जैसे कि अब आपको ये पता चल चुका है कि हमारे माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसका हम पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो अब हमें अपने कॉन्शियस माइंड को एज ए सेफ्टी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट कर देना चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए। अब हमें उसको बोल देना चाहिए कि देखो, तुम्हारा काम है इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना, तुम्हारा काम है मेरे पास इन्फॉर्मेशन भेजने से पहले डिसाइड करना वेदर दैट इन्फॉर्मेशन इज़ गुड फॉर यू और नॉट, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिसाइड करने के बाद, अपने पास फिल्टर करने के बाद ही मेरे पास भेजना। जब हमारा ब्रेन ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करने लगेगा, ये सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन को अंदर आने देगा, बैड इन्फॉर्मेशन को बाहर ही छोड़ देगा या इग्नोर कर देगा, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अच्छे से काम करके सब कॉन्शियस माइंड को सिर्फ फिल्टर्ड और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऑब्वियसली अच्छे कामों में ही लगा रहेगा और हमें इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सीक्रेट टेक्निक्स जिनके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं या फिर हम अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर सकते हैं। अगर हमारा थॉट पैटर्न या बिहेवियर, उसमें हमें लगता है कि कुछ हमें चेंज करना है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? इसकी चार टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे में सबसे पहली जो टेक्निक है वो है ऑटो सजेशन टेक्निक, कि आप अपने आप को सजेशन दीजिए। जैसे कि इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ। एक ओल्ड एज महिला थी, बुजुर्ग महिला। अब बुजुर्गों को क्या होता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो भूलने की आदत हो जाती है, उनको चीज़ें कम याद रहती हैं, याददाश्त कम हो जाती है। तो इस महिला के साथ भी ऐसा ही हो रहा था और ये महिला बार बार अपने माइंड में भी रिपीट करती थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो उससे उसका जो कॉन्शियस माइंड था वो सबकॉन्शियस माइंड को यही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, यही सब कुछ उसको बार बार फीड कराने के कारण वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर होने लगा। तो एक दिन वो महिला डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी उनको ऑटो सजेशन की टेक्निक बताते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने ब्रेन को बार बार बोलिए कि मैं सब कुछ याद रख सकती हूँ, मेरा ब्रेन बेहतर हो रहा है, डेली ये इम्प्रूव कर रहा है। इस तरह के सजेशंस देने के बाद, जब उस महिला ने कुछ समय के बाद एक्चुअल में चेंजेस अपने अंदर महसूस किए कि वो अब याद रख पा रही थी चीज़ों को, क्योंकि वो अपने ब्रेन को सपोर्ट कर रही थी और इस तरह से उसके सब कॉन्शियस माइंड ने उन चीज़ों को याद रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये ऑटो सजेशन टेक्निक है। ऑटो सजेशन मीन्स कि अपने माइंड को खुद से सजेशन देना, अपने आप को खुद से सजेशन देना। ऑटो सजेशन में आप जो भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है उसको पॉजिटिवली रिफ्रेम कीजिए। सपोज कि आप कहते रहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, ये काम बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता,
मुझे पैसा नहीं मिल सकता, तो ये सब कुछ अगर आप सोचते रहते हैं तो वही होगा, आप वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आपका ब्रेन वही सेट हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन गुड और बैड में डिफरेंस नहीं जानता, क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि क्या करना सही है और क्या नहीं, वो सिर्फ वो फॉलो करता है जो आप बोलते रहते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो आपको क्या करना है, अपनी पॉजिटिव थिंग्स को ऑटो सजेशन की फॉर्म में अपने ब्रेन में बार बार रिपीट करते रहना है। आप घूम रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप ये बातें अपने माइंड को सजेस्ट करा सकते हैं, बार बार याद दिला सकते हैं। जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आपको क्या करना है, उस थॉट को वहीं चेंज करके पॉजिटिव वे में चेंज करके यूज़ करना है। जैसे कि आपके माइंड में थॉट आता है यार मुझसे ये काम नहीं होता, तो आपको उस थॉट को उससे टाइम चेंज कर देना है, यस आई कैन डू दिस थिंग एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से जब आप सजेशन देंगे अपने माइंड को, तो ऑटो सजेशन की टेक्निक से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे चेंजेस ला सकते हैं। जो सेकेंड टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने की, वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। यू नो वेरी वेल कि एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है, तो इसी तरह से जो आप चाहते हैं उसको आप विजुअलाइज कीजिए, उसको आप एक पिक्चर के फॉर्म में देखिए। सपोज़ कि आपको कोई गोल अचीव करना है, जैसे आपको क्लास में फर्स्ट आना है, तो आप अपने हाथ में वो मेडल, फर्स्ट आने का मेडल जो है उसको आपके प्रिंसिपल दे रहे हैं, उस चीज़ को देखिए एक पिक्चर की फॉर्म में, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आप जब उस बात को बार बार विजुअलाइज करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा एंड यू कैन अचीव दैट थिंग। थर्ड जो पॉइंट है वो है माइंड मूवी मेथड। अब जब हमने ऑटो सजेशन दिए, हमने विजुअलाइज किया, इमेजिन किया, पिक्चर क्रिएट किया अपने ब्रेन में, तो जैसे हम एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही हम जो अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं उसकी मूवी भी तो क्रिएट कर सकते हैं ना अपनी इमेजिनेशन पावर यूज़ करके, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। इसमें क्या है कि आपको इमेजिन करना है वो सब सर्कमस्टांसेस जो आप देखना चाहते हैं, कि जैसे कि आपको अपने जॉब में कोई प्रमोशन चाहिए, तो आप विजुअलाइज़ कीजिए, आप इमेजिन कीजिए वो मूवी कि आप जा रहे हैं अपने ऑफिस में, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं, आपको प्रमोशन मिल रहा है। तो जब ये मूवी डेली आप अपने माइंड में रिपीट करते रहेंगे तो ये सच हो जाएगा। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आप जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। एंड द फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जो बहुत ही ईजी भी है, वो है कि आप कैसे अपने माइंड को अफर्मेशंस के थ्रू रिवायर कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, कि मैंने कहा था कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, कि सपोज़ आपका जो ब्रेन है वो, उसको आदत हो चुकी है किसी भी सिचुएशन में गुस्से से हैंडल करने की, तो उसको रिवायर कैसे करना है, उसको रिवायर करने की टेक्निक है अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, जैसे ही आपके पास जो सिचुएशन आती है, सपोज़ कि आपको उस पर गुस्सा आता है, तो आपको वहीं स्टॉप होना है, अपने माइंड में ये फीड कर लेना है कि मैं शांत हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता। अब नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, अगर गुस्सा नहीं आता है बोलोगे तो भी आपको गुस्सा आएगा, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स ही बोली हैं, मैं शांत रहता हूँ, मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, शांत ही रहना मेरा जो है वो नेचुरल बिहेवियर है, मेरा व्यवहार ही शांत रहना है, ठीक है, मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं। इस तरह के थॉट्स को जब आप बार बार रिपीट करेंगे अपने ब्रेन में, तो आपके ब्रेन को ये चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर जैसे ही आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, सपोज़ कोई आपको गलत बोल रहा है, तो जो कुछ आपने उस टाइम अपने माइंड में डिसाइड किया था, गुस्सा करना, उसको बुरा भला कहना, वो सब कुछ आप वहीं पे क्रॉस कर दीजिए, और आप कॉन्शियसली कुछ बार ट्राई कीजिए कि मैं उसको या तो इग्नोर कर सकती हूँ, या फिर मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलकर उस बात के बारे में सोचना ही बंद कर दूं, मैं उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दूं, या फिर मैं उसको सोच सकती हूँ फ्रॉम द अदर्स व्यू ऑफ पॉइंट, कि हो सकता है उसने किसी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी माइंडसेट के कारण ये सब कहा, बट मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम काम। इस तरह से जब आप सिचुएशन को
बार बार चेंज करेंगे, तो जैसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न फीड हो गया था, वही पैटर्न चेंज होके अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और अब आपका माइंड जो है वो रीवायर हो जाएगा कुछ जब आप सजेशंस अपने माइंड को देते हैं उसके बाद। तो इस तरह से आपकी जो अफर्मेशन टेक्निक्स हैं वो काम करती हैं, ये सबसे ज़्यादा काम करती हैं। आपके सोने से पहले के टाइम पे आप अफर्मेशंस अपने ब्रेन में फीड कीजिए या सुबह उठते ही फीड कीजिए, उस समय मैजिकल काम होता है आपके सबकॉन्शियस लेवल पर। सो ये सब टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप मुझे पर्सनली मैंने इन टेक्निक्स को यूज़ किया है और बहुत बेनिफिट भी मिला है। आपको बिलीव है या नहीं है, आप एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिए इन टेक्निक्स को यूज़ करने का। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप मुझे बताइएगा। आई एम श्योर कि आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। रीड दिस बुक, इस बुक में जो है और भी बातें हैं वो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। आप इस बुक को रीड करके अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।